ले भाई ये दो बानवर है अपने बीच मुस्कुराते हुए चेहरे, कौन सा गांव है? हाँ गांव बुलंदशहर वेस्टर्न यूपी आर्मी सिटी है। तेरा जींद आले चीते छाएंगे या तो जानते भी होगी। तो बेबे की कौन सा बैच था? सेकंड बैच में। के कुछ रनिंग में भी बार होया के कुछ नहीं? नहीं रनिंग में कोई बार नहीं हुआ। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप में सारी पांच छह लड़कियां रह गई। अच्छा उसके बाद हाई जंप में दो तीन। चलो अपना फिट हो गया मामला। चलो कितने नंबर बने एग्जाम में? 67 कैटेगरी यू आर। तैयारी कितना करी? कोई चैनल देखा बुक पढ़ी हो? पहले कोचिंग करी थी उसके बाद वो सेल की है। चलो बहुत बढ़िया। तू बता बेबे राउंड से मेरा भी सेकंड ही बैच था, दोनों का सेम बैच था। अच्छा राउंड नंबर 5 सब सही होया? हाँ सब बढ़िया होया। आगे भी है छोरिया का कि यो आए एक के दिन आज? नहीं एक ही दिन और भी दिन होगा ना शायद। हमारा तो आज ही था, पता नहीं औरों का पता नहीं। कितने दिन ना हो के नाम है? कितने नंबर बने एग्जाम में? 67 कैटेगरी ओबीसी। तैयारी तने कित करी बेबे? मैं मुखर्जी नगर तो सीजीएल की करूंगा। सीजीएल की ओबी होगा कि कौन से चैनल देखा करे सीजीएल की तैयारी करने? चैनल नहीं यार एक सब्जेक्ट के अलग अलग करूँ, जैसे कि इंग्लिश की क्रिस्टोफर, मैथ की पुनीत सर, और जीएस का कैरियर व्हील से। चलो जीएस करियर व्हील बढ़िया चल रहा है इनका मामला, कॉम्बिनेशन खतरनाक है यो। चलो बेबे जिंदाली छाऊंगी जल्दी वर्दी पहन लो के बुलंदशहर वाली भी छाऊंगी सेड़नी। राम राम भाई सारे भाई ने राम राम बेबे। लो भाई वजीराबाद दिल्ली पुलिस के AWOTP आज पहला जन है छोरिया का। एक ही दिन है लड़कियों का? आज ही आज है बस। है तरीक है। चलो के कुछ होया बेबे बता, एंट्री सारी चीज बता दे। एंट्री जो पहले आ रहे हैं उस हिसाब से बैच बन ही रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं उनको पहले बैच बना रहे हैं। तेरा कौन सा बैच था बेबे? मेरा दूसरा बैच था। दूसरा बैच है। किस टाइम लाइन में लगी थी तू? जल्दी ही लगे थे एकदम से, बस गेट खुला जब एकदम से थोड़ी भीड़ हो गई थी। अच्छा बाद में तो नॉर्मल सा हो गया था, तो जो पहले आ रहा था पहले बैच बन गया, जो लेट आया वो लेट बनाया। ठीक है। तो तेरा किस टाइम रनिंग हुई? रनिंग ऐसे टाइम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि फोन में तो बाहर थे, जाते आधे घंटे बाद हो ही गई थी। शुरू बैच कर ही दिया था ज़्यादा देर नहीं लगी। ठीक है। रनिंग में रही है छोरी? रनिंग में नहीं रह रही, मतलब मेरा आगे एक बैच भागा था और मेरा सेकंड बैच था, तो हम दोनों बैच में रनिंग में कोई नहीं रही। कोई रनिंग में नहीं रही। उसके बाद दो तो लड़कियां लॉन्ग जंप में रही थी, दो हाई जंप में रही थी, दो तीन निकल रही बस हाई और लॉन्ग में। अच्छा और एक दो हाइट में निकल रही है। ठीक बस और तो कोई नहीं निकल रहा। चलो सब बढ़िया हो गया। सेटअप कैसा लग गया तने? नॉर्मल लग रहा है मुझे तो। अच्छा बाकी तो बाल का उनको बहुत ही बढ़िया राजी हो है सब ओके? हाँ, के नाम बेबे? अनुराधा। कौन सा गांव है? मेरा फतेहपुरी रेवाड़ी के पास। रेवाड़ी तो फतेहपुरी वाली छोरी ने फतेह करी है। नंबर कितने बने हैं? मेरे 65 नंबर। 65 कैटेगरी ओबीसी। अच्छा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल लग रही है या बढ़िया है? तैयारी कित करी फिर? नुका पुलिस की जॉब में तो टाइम में ना मिलता पढ़ने का, फिर भी क्यों कर दिया एग्जाम? मैं तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में पहले पढ़ा था भाई कांस्टेबल वाला, अभी ट्रेनिंग पूरी हुई है मेरी 22 फरवरी को पीओपी थी, ट्रेनिंग में दिया था पेपर ये वाला। चलो कितना करी तैयारी फिर भी? कोई बुक एग्जाम कोई चैनल? मैंने तो ऑनलाइन गगन पढ़ता वगैरह का मैथ वगैरह का था नॉर्मल बस ऐसे कुछ। चलो ठीक है बेबे अनुराधा काम चल रहा है। लियो भाई एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, टोपी पहन गया, बांध छा गया है, सब फिट बेबे? कौन सा गाँव है? गाँव है मेरा उसके पास अलीगढ़ के पास है, जट्टारी सुना होगा, यूपी में। यूपी ब्रज क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी। हाँ, अलीगढ़ आगरा मथुरा ब्रज बोली बोल रहे हैं। एक नंबर की बोली थारी? हाँ, सब ओके? हाँ हाँ एकदम। कौन सा बैच था? बैच मेरा फर्स्ट था ग्राउंड 2 में, और बाकी सब कुछ सही था, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। अच्छा और सब कुछ ठीक था? सब ओके हो गया। हाँ, है एकदम बढ़िया से हो गया सब। और तो तैयारी कित करी? तैयारी मैंने करी थी स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी है ना जो। हाँ हाँ यार ही यही वहीं से करी थी। के नाम कोच का? कोच का रोहित सर। रोहित भाई है अपना पाला वास रेवाड़ी वाला चीता। हाँ बस सुनया है जी सुनया है। हाँ, सब बढ़िया आए भी हुए हैं। हाँ, आए भी हुए हैं। अच्छा अच्छा चलो सही। चलो एग्जाम की तैयारी कित करी? एग्जाम की तैयारी मैंने खुद से ही करी थी। अच्छा कोई चैनल देखा यूट्यूब पे? चैनल देखा था उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस और वो मैंने जीएस के लिए और उसके लिए देखा था करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी तो मैंने मैथ्स के लिए गगन प्रताप को प्रेफर किया था, और बस इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम वगैरह यही सब पढ़ा। हाँ बड़ा नीतू मैडम का बहुत नाम सुनो। हाँ, कितने नंबर बनाए हैं? मार्क्स तो मेरे 70 हैं इसमें। कैटेगरी जनरल। चलो के नाम बेबे? अनु चौधरी। कौन सा काम है? जट्टारी आले चीते छाएंगे। ठीक है जट्टारी ओके बेबे बहुत बढ़िया। लो भाई एक बाण और है अपने बीच, कौन सा गांव है?
मेरा अलवर थाना गाजी। यो भाई भी अपने बीच भाई फिट है, सब काम ओके, क्वालिफाई है। चलो कैसा क्या हुआ, अंदर कौन सा बैच था तेरा? दूसरा बैच था ग्राउंड 5 में। अच्छा सब ओके? हाँ हो गया। कोई रनिंग में लकड़ी छोरी नहीं, डिस्क्वालीफाई हुई ना लड़कियाँ, रनिंग में तो कोई नहीं हुआ। अच्छा, बैच में क्या हुई? लंबी कूद में हो गई थी दो लड़कियाँ डिस्क्वालीफाई। अच्छा, उसके बाद ऊंची कूद हुई उसमें हो गई थी 3, तो टोटल हमारे 40 का बैच था उसमें 5 हो गई डिस्क्वालीफाई और तेरा सब काम फिट है। हाँ। कितने नंबर बने हैं? और फिर बाद में 2 लड़कियां और उसमें हो गई थी हाइट में। अच्छा, वो ऐसे सोची भाई कैटेगरी का छूट मिलेगा, कैटेगरी का छूट मिला नहीं उनको। अच्छा अच्छा, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या मैं सोचती थी वे कैटेगरी की छूट मिलेगी रनिंग में, मैं सोची भाई हाइट में मिल जाएगी। अच्छा, इसमें 157 है ना, तो 157 ही ले रहे हैं। चलो कोई कैटेगरी हो। हाँ, कोई चीज नहीं, वैसे छूट है हिल एरिया को, जैसे मेघालय मणिपुर। हाँ हाँ, पहाड़ी आदमी छूट है। चलो सब ठीक, कितने नंबर बने अभी तेरा? 52 है वैसे। 52 तो। तैयारी कित करी तने? तैयारी मैंने तो घर से ही करी। कोई चैनल देखा हो, बुक पढ़ी हो? हाँ देखा है। कौन सा? वैसे तो मैंने चैनल वैलेंस से क्लास तो ली नहीं, वैसे कभी कभी बस देख ली थी वैसे ही। चलो यूट्यूब पे डाल के भाई ली। ठीक है, कौन सा के नाम है? के नाम है अंकिता मीणा। अंकिता मीणा छाओगी भाई अलवर वाली शेरनी? ओके भाई, तेरा के नाम दोस्त? मोहित। मोहित अंकिता, बहुत बढ़िया।